Hey guys, namaste, welcome back to my channel और this is me, Khushi. So friends, अगर आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा blemishes हैं, दाग धब्बे हैं, pigmentation है, आपके mouth area के आसपास काले-काले दाग धब्बे हैं, आपके गालों पे झाइयां हैं, nose area के आजू बाजू जो है झाइयां हैं, या आपके chin area पे कालापन है, कहीं पे भी आपके फेस पे अनइवन स्किन टोन है, आपको स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम है बॉडी में, या आपको एक्ने और पिंपल की वजह से बहुत सारे दाग धब्बे रह गए हैं, तो डेफिनेटली आपको आज की वीडियो एंड तक वॉच करनी चाहिए, क्योंकि आज मैं जिस क्रीम का रिव्यू करने वाली हूँ ये एक ऑल इन वन क्रीम है और बहुत अच्छे से आपके सारे जो भी स्कार्स मार्क्स दाग धब्बे हैं उनको रिमूव करती है। और इसका जो नाम है वो है स्कार ऑफ क्रीम। डेफिनेटली आप जो है इस क्रीम का पूरा रिव्यू देखना, इस वीडियो को एंड तक वॉच करना। वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि अभी कहा, आज जो है मैं बात करने वाली हूँ स्कार ऑफ क्रीम के ऊपर। और जैसे कि आप इसकी पैकेजिंग देख रहे हो, इसके ऊपर ऑलरेडी लिखा है एंटी स्कार क्रीम। और ये जो है एक बहुत ही आइडियल सॉल्यूशन है किसी भी तरह के दाग धब्बे पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए। इवन अगर लॉन्ग टर्म में यूज करते हो तो स्ट्रेच मार्क जैसी प्रॉब्लम भी जो है आपकी इससे दूर हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट इसमें डाले गए हैं। और ये जो है जर्मन साइंस द्वारा बनाई गई एक आयुर्वेदिक क्रीम है। इसके अंदर डाला गया है सेंटला एशियाटिका ऑनियन एक्सट्रैक्ट, आर्निका और मैग्नोलिया। तो सेंटला एशियाटिका जो है हेल्प करता है आपके स्किन के ऊपर कोलाजिन प्रोडक्शन बढ़ाने में और आपके जो सेल्स है उसको ग्रोथ करने में। साथ ही अगर आपको कहीं भी इन्फ्लेमेशन जैसी इशू है तो उसको भी रिड्यूस करता है। ऑनियन एक्सट्रैक्ट जो है अगर आपको बहुत ज्यादा पुराने कोई स्कार्स मार्क्स है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है और जो भी ब्लेमिशेस है वो 100% रिमूव करता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। आर्निका जो है आपकी स्किन की फ्लैकीनेस को दूर करता है और आपका स्किन टेक्सचर एनहेंस करता है और आपकी स्किन को सॉफ्ट और सफल बनाने में हेल्प करता है। मैग्नोलिया जो है आपके इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है और आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है, यानी कि स्किन को जो है जवा और यूथफुल बना के रखता है। सो इस तरह से ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल क्रीम है, आयुर्वेदिक तरीके से बनाई गई है और स्किन टाइप वाले इसे लगा सकते हैं। आपके चेहरे पे या बॉडी पे अगर कहीं पे भी कट मार्क्स है, बर्न मार्क्स है, उस पर भी ये बहुत अच्छा वर्क करता है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना, अगर कहीं पे आपको जख्म हुआ है, कट हुआ है या कहीं पे आपको स्टिचेस आए हैं, वैसे एरिया पे आप बिल्कुल तुरंत ना अप्लाई करें। जब आपका वो बॉडी पार्ट या वो एरिया रिकवर्ड हो जाता है उसके बाद आप 6-8 महीनों बाद डॉक्टर की सलाह से उस एरिया पे इस क्रीम को लगा सकते हो, या तो आप खुद से भी लगा सकते हो अगर वो एरिया पूरी तरह जब रिकवर्ड हो जाता है तब। और इसको लगाने का तरीका बताऊं तो ये बहुत एक सॉफ्ट जेल काइंड ऑफ क्रीम है। आपको इसे दिन में 2 बार लगाना है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप दिन में 1 ही बार लगाइए। आपका जो भी अफेक्टेड एरिया है उस पर हल्के हाथों से मसाज करके लगाकर छोड़ दीजिए। अगर आपको थोड़ी बहुत इचिंग वगैरह आती है तो फर्स्ट सेकेंड डे में ऐसा होता है, उसके अलावा भी अगर कंटिन्यू रहता है तो आप इसको आधा घंटा लगाइए, फिर इसको नॉर्मल पानी से वॉश ऑफ कर दीजिए, या तो आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हो। और ये जो है GMP ISO सर्टिफाइड है, तो आप जो है बेझिझक होके इसको अप्लाई कर सकते हो, यूज कर सकते हो। 15 ग्राम की ट्यूब जो है आपको मिल जाएगी ओनली फॉर रुपीज 120 से लेके 170 के बीच में। मैं जो है इमेज आपको यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगी, तो आपको डेफिनेटली एक बार इसे ट्राई करना चाहिए। बहुत अच्छी क्रीम है स्कार्स और पिगमेंटेशन के लिए। थोड़ा स्लो वर्क करती है बट डेफिनेटली आपको रिजल्ट देती है और कोई साइड इफेक्ट इसकी नहीं है। तो इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करें। सो यस फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। इसी तरह की अच्छे अच्छे और नए नए प्रोडक्ट्स रिव्यू देखने के लिए आप जो है मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।